आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने जा रही है। इससे पहले सोमवार को बाबा अमरनाथ अपने पूर्ण स्वरूप में नजर आए। बाबा अमरनाथ के शिवलिंग का बर्फ से पूरा आकार बन गया है, इसकी तस्वीरें सामने आई है। इस बार अमरनाथ यात्रा 52 दिन की होगी। 29 जून से शुरू होकर यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी। पिछली बार 1 जुलाई से 60 दिन तक चली थी। पहली बार दोनों रूट पूरी तरह से 5G फाइबर नेटवर्क से लेस होंगे। 24 घंटे बिजली के लिए ज्यादातर खंभे लग चुके हैं। श्राइन बोर्ड पहली बार मेडिकल इंतजाम भी बढ़ा रहा है। बालटाल और चंदरबाड़ी में 100-100 ICU बेड, एडवांस उपकरण, एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट, कार्डियक मॉनिटर, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट से लेस 2 कैंप अस्पताल रहेंगे। यहाँ हवा में ऑक्सीजन कम रहती है, इसलिए यात्रा मार्ग पर 100 स्थायी ऑक्सीजन बूथ और मोबाइल ऑक्सीजन बूथ रहेंगे। पवित्र गुफा, शेषनाग और पंचतरणी में 3 छोटे अस्पताल होंगे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बालटाल से गुफा तक का 14 किलोमीटर का रूट 7 से 12 फीट तक चौड़ा किया गया है। इस पर वाहन जा सकते हैं। हालांकि अभी सिर्फ BRO सेना की गाड़ियों को ही अनुमति है। इमरजेंसी में इसी का इस्तेमाल होगा। पिछली बार दोनों रूट पर करीब 60,000 जवान तैनात थे। इस बार लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में तैनात होने वाली अर्धसैनिक बलों की सभी 635 कंपनियों को वोटिंग के बाद यात्रा में तैनात किया जाएगा। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।